अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़े की आलू की सब्ज़ी। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर मैंने डाल दिए थे 2 प्याज़, 2 टमाटर, और साबुत जो है था वो मैंने लहसुन डाला था, और 7 से 8 जो थे वो मैंने काजू डाले थे। इसको हमने हल्का सा जो है वो फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, और इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और उसी ऑयल के अंदर हमने डाल देने हैं आलू, और आप कोई सी भी सब्ज़ी साथ डाल सकते हैं। और वो जो मसाला था उसको हमने कर लेना है अच्छे से ग्राइंड। इसके अंदर हमने पानी भी डालना है, खूब अच्छे से आपने इसका पेस्ट बना लेना है, जैसे कि ये बन गया। ठीक है, और ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, ये मेरी खुद की रेसिपी है। और ये देखें फ्राई हो चुकी है, इसको मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया था, और फिर जो है उसी ऑयल के अंदर ही हमने डाला जो पेस्ट बनाया था वो डाल देना है। इसके अंदर अभी कोई मसाला नहीं डाला, अभी हम डालेंगे। और अभी हमने डाल देना है नमक, हल्दी, हल्दी 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून। मुझे ज़रा स्पाइसी खाना पसंद है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ठीक है, और अब हमने इसको खूब अच्छे से भूनना है, और पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ग्रेवी के ऊपर अच्छा सा ऑयल आ जाए, तो फिर समझे हमारे जो वो ग्रेवी पक चुकी है। और ये देखेंगे इतनी कोई ज़्यादा मज़े की थी, इतनी क्रीमी थी कि मेरा तो दिल चाह रहा था कि ऐसे ही बस खा लूँ सब्ज़ी, तो ना ही डालूँ, बहुत मज़े की थी। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दी आलू, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही काफ़ी पक चुकी थी, बस इसको 3 से 4 मिनट हमने पकाना है। और फिर मैंने डाल दी थी इसके अंदर इस तरीके से कटे हुए प्याज, अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा, डालेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। तो बस अभी हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।